नमस्कार दोस्तों, लेकर आ गया हूँ एक और नई वीडियो अपने चैनल पे आपके लिए, जिसमें आज हम सीखेंगे गूगल पे का इस्तेमाल करके अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना। नमस्कार, चलिए सिखाइए। आज बिजली का बिल हर महीने जो हम जमा करते हैं उसे अब हम गूगल पे से ही पे करना सीखेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जाना होगा अपनी गूगल पे की ऐप पे। यहाँ से आपको पेमेंट कैटेगरी दी होगी, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डीटीएच, इनमें से आपने इलेक्ट्रिसिटी टैब पे टच करना है। सर, आपको नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे नोटबुक की ज़रूरत नहीं है, एक मोबाइल की ज़रूरत है? हम बताइए। यहाँ पे दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिलर्स होंगे, अलग अलग स्टेट वाइज बिलर्स होंगे, आपको अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ से इसे सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो यहाँ ऊपर सर्च बार में टाइप भी कर सकते हैं, या ये जो लिस्ट दी हुई है इसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे दोस्तों आपसे कंज्यूमर नंबर पूछता है। आपको यहाँ कंज्यूमर नंबर डालना होता है, जो आपके घरों में जो बिल आता है, एक पेपर जो बिल का रहता है, उसमें आपका कंज्यूमर नंबर आपको मिल जाएगा। हमारे केस में जो स्क्रीन में दिखाया गया बिल है, इस तरह का बिल आता है जिसमें कंज्यूमर नंबर सामने दिखाई जा रही लोकेशन पे हमें मिलता है। अब दोस्तों, सामने स्क्रीन पे आ रही है कि ये जो मेरा एक्चुअल बिल है, ये किसके नाम पे बिल है, और इसका कंज्यूमर नंबर और इसका निकनेम, जो मैं बिल भरना चाहता हूँ, क्या ये वही है या नहीं, ये चीज़ हम यहाँ से टैली कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो पे बिल नाम का ऑप्शन है यहाँ पे टच कर सकते हैं। यहाँ पे टच करने के बाद यह आपसे पिन मांगेगा, गूगल पे की पेमेंट ट्रांजेक्शन वाला पिन, आप उसे डालें। और उसके बाद वेटिंग फॉर कंफर्मेशन, पेमेंट की कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे आपको स्टेटस आ जाएगा कि आपका बिल पे हो चुका है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे निकनेम दे लेता हूँ। मेरे केस में GUGGU, ये ठीक है। ऐसे बिल जमा हो गया ना मेरा? सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बिल जमा हो गया या नहीं हुआ है? आप चाहें तो इसका जो स्क्रीन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे प्रिंट करके हार्ड कॉपी के रूप में अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं, या फिर आप अपने गूगल पे की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में भी इसे जाके चेक कर सकते हैं, पेमेंट हुई है या नहीं। पिछली पेमेंट्स भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। गूगल पे ने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपके अमाउंट जो है वो कलर वाइज आपको कैटेगराइज करके ऑलरेडी दिए होते हैं, जिससे आपको आसानी रहती है ये चेक करने की कि आपके पैसे कौन से कटे हैं या नहीं कटे हैं, ट्रांजेक्शन फेल हुई है या सक्सेसफुल हुई है। अच्छा, तो मतलब रेड कलर पेमेंट फेल, ब्लैक कलर विद माइनस साइन पेमेंट कटी है, ग्रीन कलर विद प्लस साइन पेमेंट आई है। समझ आ रहा है मुझे। सर, मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी एक्चुअली। मैं आपकी जो मोबाइल रिचार्ज वाली वीडियो थी, उसको देख के मैं रिचार्ज हो नहीं पा रहा था मेरा। मैं अपना मोबाइल बूस्टर रिचार्ज किया जा रहा था और वो हो ही नहीं रहा था, सक्सेसफुली नहीं हो रहा था, फेल फेल फेल। आपने बताया नहीं था कि रिचार्ज करने के लिए मेरे अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि ये आपके काम आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसी तरह की और लर्निंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको गूगल पे से मोबाइल रिचार्ज के बारे में भी सीखना है, तो उसके लिए भी हमने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं।